नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल नामदेव। आप देख रहे हैं नामदेव जी टेक्निकल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम समझेंगे के आर ए वेरीफिकेशन क्या है। थोड़ा सा और आपको मैं अच्छे से बताता हूँ। के आर ए वेरीफिकेशन जिन लोगों के भी ट्रेडिंग अकाउंट हैं, डीमेट अकाउंट हैं, उनको अब ये के आर ए वेरीफिकेशन करना कंपलसरी हो गया है। ये भारत सरकार की तरफ से आया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके लिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी भारत सरकार के समय समय पर कुछ ना कुछ नए नए नियम कानून पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं। तो ये जो पॉलिसी है, इन्होंने स्टॉक मार्केट या डीमेट अकाउंट के लिए उन्होंने नई पॉलिसी बनाई है कि उन्होंने बोला कि अब हमें जितने भी हमारे डीमेट अकाउंट हैं, जो डीमेट अकाउंट में जो ट्रेडिंग करते हैं लोग, हम जैसे लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, उनका हमें के आर ए वेरीफिकेशन कराना है। ये सरकार की पॉलिसी है, सरकार की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है। तो उन्होंने एक लास्ट डेट बताई थी कि 1 सितंबर 2023 के पहले पहले तक करा लो। लेकिन हम इंडियन हर काम लास्ट में ही करने के लिए बैठते हैं। बहुत सारे लोग जिनके के आर ए वेरीफिकेशन नहीं हो पाए हैं, अब वो लोग बेचारे वीडियो सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे के आर ए वेरीफिकेशन कैसे करें, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो ऐसे भाइयों की हेल्प करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों, के आर ए वेरीफिकेशन अभी बहुत सारे लोगों ने 1 सितंबर के बाद करना स्टार्ट किया। मैं आपको बताऊँ के आर ए का फुल फॉर्म क्या होता है। के आर ए का फुल फॉर्म होता है के वाई सी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज। मतलब कि भारत सरकार ने बोला है कि जितने भी डीमेट अकाउंट हैं उनके रजिस्ट्रेशन चेक करे जाए, उनकी के वाई सी। एक प्रकार से के वाई सी में क्या होता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बस बेसिक चीज़ें होती हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, कोई इलीगल अकाउंट तो नहीं है, कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जो गलत तरीके से ऑपरेट कर रहा है। तो ये बस सिंपल सा है। तो ये वेरीफिकेशन का काम करने के लिए सी डी एस एल इसमें एक्टिव है। सी डी एस एल की तरफ से ये वेरीफिकेशन का काम किया जा रहा है। अब सी डी एस एल एक गवर्नमेंट संस्था है, जैसे कि सेबी पूरा स्टॉक मार्केट कंट्रोल करता है, सी डी एस एल का भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, वो भी स्टॉक मार्केट में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, वो बहुत चीज़ें कंट्रोल करते हैं। तो अभी सी डी एस एल क्या क्या करता है वो हम फिर कभी दूसरे वीडियो में समझेंगे, नहीं तो हमारा वीडियो ये बहुत लंबा बन जाएगा। तो दोस्तों, सी डी एस एल ने क्या कर रखा है, ये वेरीफिकेशन करने का जिम्मा ले रखा है भारत सरकार का कि हम सारे डीमेट अकाउंट के वेरीफिकेशन करेंगे। अब सी डी एस एल ने क्या करा है, 5 एक्सटर्नल बॉडीज़ को हायर कर रखा है। या तो सिंपल भाषा में बताऊं, उन्होंने 5 संस्थाओं को काम दे रखा है कि भाई, 5 एजेंसियों को काम दे रखा है कि आप लोग के आर ए वेरीफिकेशन करवा दो जितने भी, क्योंकि देखो डीमेट अकाउंट आज के टाइम पे इंडिया में बहुत हैं। ये 5 एजेंसीज के पास भी इतना लोड है समय के आर ए वेरीफिकेशन करने का, जिसका आप हिसाब भी नहीं लगा सकते। तो ये 5 एजेंसियों को ये सी डी एस एल वालों ने काम दे रखा है कि आप लोग वेरीफिकेशन कराना स्टार्ट कर दो। तो ये 5, ये जो 5 एजेंसियाँ हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, कार्विक, सी वी एल, एन डी एल एस, और भी सब 2 और भी हैं, आप देख सकते हैं। इन कंपनीज को दे रखा, इन एजेंसीज को दे रखा है काम कि आप अपना के आर ए, हम लोगों का के आर ए वेरीफिकेशन करके दो। अब ये क्या कर रहे हैं, अब हमारी जो ब्रोकिंग कंपनी है, हमारी ब्रोकिंग कंपनी ने क्या कर रखा है कि किसी ने कार्विक का दे रखा है, किसी ने सी वी एल का दे रखा है, और किसी ने एन डी एल एस का दे रखा है। इनका एक अलग अलग फंडामेंटल है, उसमें आप ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे अगर आपका डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको बहुत कम ब्रोकरेज में आपको ट्रेडिंग अकाउंट देता है, अगर डिस्काउंट ब्रोकर होगा तो वो सी वी एल वेरीफिकेशन करवा रहे हैं, अगर वो फुल टाइम ब्रोकर होगा तो आपको कार्वी के आर ए वेरीफिकेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में चले जाओगे आप, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना। तो सिंपल यही है कि गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट था, गवर्नमेंट ने सी डी एस एल को काम दिया, सी डी एस एल का रिक्वायरमेंट था तो सी डी एस एल ने 5 एक्सटर्नल बॉडीज जैसे कि कार्वी, सी वी एल और 2-3 और हैं, उनको पढ़ सकते हो आप, इन सब 5 एजेंसीज को ये काम दे रखा है। अब ये 5 एजेंसीज सबके के आर ए वेरीफिकेशन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों को के आर ए वेरीफिकेशन में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है, आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, आप हमें कभी भी किसी भी वक्त आप हमें मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पर कमेंट कर दो, आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। बस प्रॉब्लम जो है इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, के आर ए वेरीफिकेशन से रिलेटेड होना चाहिए। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे। और भी देखो, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं, उन सारी प्रॉब्लम को हमने अपने पुराने वीडियोस में कवर कर रखा है। एक बार बस चैनल पर विजिट करो, चैनल पर विजिट करोगे आपको 5-6 ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो कि के आर ए वेरीफिकेशन से रिलेटेड है, चाहे कार्वी हो, सी वी एल हो, चाहे मोबाइल नंबर कैसे अपडेट करते हैं, वो सब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग जाके एक बार देख लीजिए, और अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगे नई वीडियो में।